हेलो दोस्तों, इस वीडियो में विलोम शब्द से प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न है, अनुरूप का विलोम शब्द है तो अनुरूप का विलोम शब्द प्रतिरूप है। प्रश्न दूसरा है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है तो अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है तो प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, अनुकूल है। अगला प्रश्न, चिरंतर का विलोम शब्द क्या है तो इसका विलोम शब्द है नश्वर। अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम शब्द क्या है तो इसका विलोम शब्द होगा जंगम। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, ग्रस्त का विलोम शब्द होगा मुक्त। अगला प्रश्न है, मुक का विलोम शब्द क्या है तो मुक का विलोम शब्द होगा वाचाल। अगला प्रश्न है आपका, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है तो उन्मूलन का विलोम शब्द होगा अव अवमूल्यन अवमूल्यन। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है तो निषिद्ध का विलोम शब्द होगा विहित होगा। शुष्क का विलोम शब्द क्या है, शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथक का विलोम शब्द क्या है तो पृथक का विलोम शब्द होगा एकत्र। अगला प्रश्न देखिए, उपयोग का विलोम शब्द क्या है, उपयोग का विलोम शब्द होगा आपका अनुपयोग होगा। अगला प्रश्न देखिए, जंगम का विलोम शब्द क्या है, जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर होगा। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, प्रलय होगा। अगला प्रश्न है, ईप्सित का विलोम शब्द क्या है, ईप्सित का विलोम शब्द होगा अनिप्सित अनिप्सित होगा। अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है तो साहचर्य का विलोम शब्द होगा अलगाव होगा। अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द क्या है तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होगा। अगला प्रश्न, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा, अस्पृश्य होगा। अगला है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, क्या होगा, विज्ञ होगा। अगला प्रश्न देखिए, गौरव का विलोम शब्द क्या है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, लाघव होगा। आपका अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, अतरंग होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, अपकर्ष होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा, बहिर्मुखी होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा तो इसका होगा अनावृष्टि होगा। अगला प्रश्न है, संयोग का विलोम शब्द क्या है तो संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, वियोग होगा। अगला है आपका प्रश्न, राजा का विलोम शब्द क्या है तो राजा का विलोम शब्द क्या होगा, रंक होगा। आकाश का विलोम शब्द क्या है तो आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा। अगला प्रश्न है, सगुण का विलोम शब्द क्या है तो सगुण का विलोम शब्द क्या होगा, निर्गुण होगा। अगला प्रश्न है, अपशगुन का विलोम शब्द क्या है, अपशगुन का विलोम शब्द क्या होगा, शकुन होगा। अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द क्या है तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक होगा। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में इसके और विलोम शब्द को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।